हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरहत के साथ तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज शेयर कर रहे हैं आलू भुजिया रेसिपी, यानी कि आलू के पकोड़े, और साथ में हम बनाएंगे प्याज के और मिक्स पकोड़े, जो कि बहुत इंस्टेंट क्विक बन जाते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो बनाते हैं। सबसे पहले हमने बेसन लिया। बेसन यहाँ पर तकरीबन हम लेंगे हाफ के जी से कम, यानी कि अभी हमने बेसन लिया दो प्याले मेजर करके। तो इसको हम अच्छी तरह से जो है वो पहले छान लेंगे। बेसन को अच्छी तरह से छानने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून फुल भरकर हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून फुल हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। थोड़े चटपटे से पकोड़े बने। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून फुल भरकर धनिया पाउडर। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा, और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट ऐड टू टेस्ट। अभी सब डाल के इतना अच्छा सा फ्लफ़ी सा एक बैटर बना लेंगे। बेसन को जितना अच्छा फेंटेंगे, जितना फ्लफ़ी करेंगे, उतने ही अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। तो अब हम इसके अंदर जो है वो, जब हमने अच्छी तरह से फ्लफ़ी अपना बेसन खोल लिया था, तो हमने इस तरह आलू के पीसेस में काट लिया था और आलू को हमने बेसन में डिप करके इस तरह फ्राई कर लिया था। इसी तरह ही साथ ही हमने दूसरे जो है मिक्स पकोड़े थे वो भी इसी तरह बना लिए थे। तो इसे हम ग्रीन चटनी, केचप के साथ और अनार के दानों के साथ सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।